लेट्स सी। अच्छा तो ये देखो हमने स्क्वायर और क्या किया, हमने स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ताकि ये टी स्क्वायर वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए, है ना। अच्छा ये देखो 2 प्लस 2 कितना हो रहा है 4, तो ये क्या आया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर। ये सर्कल हो सकता है क्या, सर्कल हो सकता है क्या, x स्क्वायर y स्क्वायर है लेकिन उसका साइन देखो, एक का पोजीशन प्लस वन है एक का पोजीशन है माइनस वन, नहीं चलेगा। एलिप्स रिमेंबर, सर्कल और एलिप्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए और उनका साइन भी सेम चाहिए, है ना। कीप दिस इन माइंड, सर्कल में कोएफिशिएंट्स भी सेम, एलिप्स में कोएफिशिएंट्स अलग रहा तो भी चलेगा। वेयर एज ये हाइपरबोला है, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिमेंबर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखो ये वाला पोजीशन पॉजिटिव है ये वाला पोजीशन नेगेटिव है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो राइट अवे आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि ये हाइपरबोला है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 और 9 में ज्यादा फर्क है क्या, 10 और 9 में क्या फर्क है, ए भी है तो आपको क्या करना होगा कि पहले ए को इधर बुलाना पड़ेगा, जैसे हमने डायरेक्ट स्क्वायर और सबट्रैक्ट किया, यहां डायरेक्ट स्क्वायर और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो व्हाट डू वी डू इंस्टेड, वी डू दिस कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर विल बी इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 2 और इधर में y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, अब काम हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, ये और ये और ये कटेगा, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा आपने नोटिस किया है कि हम इसको ऐसे निकाल जा सकता है, x स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रिमेंबर ये कौन सा फॉर्म में है, हाइपरबोला वाला, ये भी उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे, x स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है हाइपरबोला का। ठीक है, प्लस होता तो एलिप्स माइनस होता तो हाइपरबोला। अच्छा ये प्लस होता तो दिस वुड हैव बिकम सर्कल, पहले क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे क्योंकि 12 में और 10 में ज्यादा फर्क नहीं है, नोटिस किया क्या आपने, डिड यू नोटिस, क्योंकि जैसे कि यहां t और 1 / t है, यहां है e का पावर t और e का पावर माइनस 2, व्हाट डू वी नीड टू डू, सेम फैक्टर इसे कैसे। अच्छा अब ये देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो उधर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, तो ये होगा 2x इज e का पावर t, इसको हम ऐसे लिखेंगे कुछ चलेगा, 3y इज इक्वल टू e का पावर t प्लस 1 बाय e का पावर t, सॉरी ये वाला माइनस होगा ना। अब देखो स्क्वायर है, इधर सबट्रैक्ट करेंगे, 4x स्क्वायर इज e का पावर 2t प्लस 1 बाय e का पावर 2 है ना, इसका स्क्वायर है प्लस 2ab में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला 9y स्क्वायर इज e का पावर 2t प्लस 1 बाय e का पावर 2t माइनस 2ab यानी माइनस 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया सो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज 4। इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे 4 को इधर की तरफ बुला लिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया हमने, है ना, दिस माइनस दिस इज दिस, ये दोनों कटेंगे क्या हुआ। अच्छा तो ये देखो 4 से डिवाइड किया तो 4x स्क्वायर बाय 4 माइनस 9y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, तो ये x स्क्वायर माइनस, आपने नोटिस किया कि मैंने क्या किया, बिकॉज़ दिस लेफ्ट इट हियर है ना, बिकॉज़ आई जस्ट लेफ्ट इट हियर, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसको ये वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जस्ट टू शो कि ये कौन सा फॉर्मेट में है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देखो बीच में माइनस है, इसका मतलब ये कौन सा कर्व होता है, कौन सा कर्व, ये हाइपरबोला। जल्दी स्क्वायर और एडिंग करने से सर्कल या एलिप्स आएगा, स्क्वायर और सब्ट्रैक्टिंग करने से जनरली आएगा हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट लेंथ,
पहले ये कर लेते हैं। जनरली हम अरे बाकी इंस्टीट्यूट में ये सब नहीं करते, इतने सारे क्वेश्चंस, ये हाइपरबोला पैराबोला ये बाद में पढ़ाते हैं, हम अभी कर रहे हैं ताकि यू नो आपको बाद में आसान हो जाए। ठीक है अच्छा एनीवे क्वेश्चन नंबर 11, कुछ स्ट्राइक हुआ है क्या आपको? ये एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 4t, और यहाँ अच्छा यहाँ कुछ कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, टी कॉमन और टी को क्यों उधर की तरफ शिफ्ट करने से कुछ फायदा होगा क्या? अपना क्या फायदा होगा? अब इसको एलिमिनेट करना आसान हो गया दोनों को, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो ऊपर है यहाँ नीचे, सिंपली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, दिस इज वन दिस इज टू, वन मल्टीप्लाई बाय टू वी गेट एक्स प्लस बी वाई इंटू एक्स माइनस बी वाई इज 16, तो व्हाट यू गेट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा ये देखो 16 को इधर की तरफ बुला लो ना, और ए स्क्वायर को नीचे, क्या है ये कौन है, हु इज दिस? वेरी गुड हाइपरबोला की ये सब हो गया, ये पता नहीं कितने बार किया गोरीडे से कॉस साइन कोएफिशिएंट इंटरचेंज, एक्स के साथ कॉस या वाई के साथ कॉस, तो व्हाट डू वी डू स्क्वायर ऑफ ऐड, अब डायरेक्ट इसका आंसर गेस कर सकते हैं क्या आएगा जब स्क्वायर ऑफ ऐड किया इज इक्वल टू, अरे ये कौन है सर्कल है, वेरी गुड विद सेंटर ओरिजिन, वेरी गुड एंड रेडियस देखो बस, वेरी गुड वो बेस पर कर, यस देखो ऐसा फ्लो चाहिए अपने को, है ना? Now 14 and 15 ये tough questions माना जाता है क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं आता। x is equal to आ गया याद आ गया ऐसा लग रहा कि ये कोई कॉस्ट कॉस्ट की टाइप है और ये साइन टू की टाइप, ऐसा लग रहा क्या इज इट? हाँ ऐसे ही है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा यू नो दिस इज व्हाट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग, यू नो कि इफ यू गुड एट ट्रिग्नोमेट्री यू नो वो फॉर्मूला ना आपको स्ट्राइक करता है यहाँ कि मैं काम करूंगा टीके जगह क्या कंसिडर करूंगा सब्स्टिट्यूशन, देखो इधर भी सब्स्टिट्यूशन लोकस में सब्स्टिट्यूशन, वाह। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आई एम गोना रिप्लेस t बाय t बाय tan, वेरी गुड t बाय tan थीटा, तो ये x क्या हो जाएगा, x बिकम्स 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या बनेगा ये cos 2 थीटा, वेरी गुड, और y क्या बनेगा sin 2 थीटा। आपने नोटिस किया है हमने पैरामीटर्स को बदल दिया बेचारा भी। अच्छा अभी अभी नया पैरामीटर कौन है? पहले पैरामीटर था टी जो क्वेश्चन वालों ने दिया, हमने टी को कन्वर्ट कर डाला टीटा में, अब ये देखो इसको एलिमिनेट करना बहुत ही आसान है, व्हाट टू डू स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक काम करेंगे ये हम लेते हैं ए इनटू ओके ठीक है, तो ये ए कॉस टू टीटा और ये बी साइन टू टीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेकिन करना भाई
लेकिन इसमें क्या है कि ए को इधर की तरफ बुलाने की जरूरत नहीं था क्योंकि कंपोजिशन सेम था, लेकिन यहां आपको ए और बी को बुलाना ही पड़ेगा। माने यहां आएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, माने स्क्वायरिंग करने से x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, x इज a cos 2 थीटा, y इज b sin 2 थीटा, सही है। तो ये x बाय a इज cos 2 थीटा, y बाय b इज sin 2 थीटा। अब स्क्वायर में ऐड करेंगे x square by a square plus y square by b square is equal to 1। अच्छा ये तो है exactly ellipse, है ना? Same sign है, लेकिन coefficients अलग हैं। है ना? ये जबरदस्त question माना जाता है क्योंकि generally ये strike नहीं करता। ये सब क्या है? ये भी हमने किया था कब? Parametric form के बाद किया था ये सब। देखो ये सब differentiation में किया था हमने। तो अभी काम आ गया होगा, अदरवाइज इसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल रहता है ना। इट वुड बी गेट वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट दिस टू अदर देन सब्स्टिट्यूशन। इट विल डू नॉट गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? सो आई फील कि यू नो हम पैरामीटर वाला कांसेप्ट भी हो चुका है, माने मोर और लेस अपना लोकस हो चुका है। बस अभी एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, सर्कल के ऊपर हम और थोड़ा बात करेंगे इंडिविजुअली, है ना? 15-20 मिनट्स ऑन ईच टॉपिक, and we'll cover that in subsequent lectures, right?